इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया है। लेकिन 21 ओवर में एक मोड ऐसा भी आया जब अंपायर के फैसले से इंडिया की जीत मुश्किल में पड़ सकती थी। दरअसल न्यूजीलैंड की तरफ से 21वां ओवर कॉलिन मुर्रो कर रहे थे, जिनके सामने भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन थे। धवन गेंद का सामना करने के लिए तैयार थे और मुर्रो ने लेग स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। गेंद धवन के पास से गुजरते हुए विकेटकीपर लाथम के हाथों में गई और फिर गेंदबाज और विकेटकीपर ने जोरदार अपील की। इस अपील के बाद अंपायर ने भी धवन को आउट दे दिया। अंपायर के फैसले के तुरंत बाद धवन ने DRS ले लिया। DRS में ये साफ हो गया कि गेंद धवन के बल्ले से नहीं टकराई है और अंपायर को अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। गेंद ना तो धवन के बल्ले से टकराकर निकली थी और ना ही उनके शरीर के किसी अंग से। तो DRS के फैसले के बाद उस गेंद को वाइड भी करार दिया गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।